जय हिंद वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती से जो है तो इस्लाम से लेकिन सनातन परंपरा को पूरे जीवन मानते रहे हैं और राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। एक मुस्लिम होकर वो राम मंदिर आंदोलन से क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, ऐसे कई सवाल हैं। वो कॉमर्शियल पायलट रहे हैं, पेरिस के शारवान यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की है और हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उनसे हम जानेंगे कि वो इस्लाम से जुड़े होकर कैसे हिंदुत्व के प्रचार प्रसार और उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्या कारण रहा है, क्यों, और इन सारे सवालों का हम जवाब उन्हीं से जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सर, आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं, आपका परिचय भी इस्लाम से है, लेकिन आप हिंदू सनातन संस्कृति को मानते हैं, आपके घर में उसकी प्रैक्टिस होती है। ऐसा क्या घटनाक्रम है जिससे आप सनातन संस्कृति को पसंद करते हैं और उसको फॉलो करते हैं? पहली बात मैं आपको एक कहना चाहूँगा, शब्द हुआ वापस लिए घटनाक्रम। जी, आस्था के लिए कोई घटनाक्रम नहीं होता है। जी, और कोई समय निर्धारित नहीं होता। जी, मेरा बचपन, मेरी जवानी और मेरे माता जी की खासकर देवी, पिताजी का ध्यान तो मैं 5 साल का था, वो भारतीय संस्कृति भारतीय था। और जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो सनातन आता है। बिल्कुल, तो भारतीय संस्कृति जो है, एक तो मैं शिया कम्युनिटी से हूँ पहली बात तो। जी जी जी, तो शिया कम्युनिटी के अंदर ही वैसी भी सनातनी प्रैक्टिस है। जी, और 37 पॉइंट हम बता देंगे अभी, जो शिया आदमी प्रैक्टिस कर रहा है वो सनातनी प्रैक्टिस कर रहा है। जी, तो हमको बचपन से मिली हुई है, अपने परिवार से ही मिली हुई है, अपनी माता जी से ही मिली हुई है। और जब हम इतिहास के ऊपर जाते हैं तो समय आज तक नहीं पता सनातन कब शुरू हुआ। जी बिल्कुल, हर धर्म का समय डेट तारीखें हैं। जी जी, मिल जाती हैं। लेकिन जो सनातनी प्रैक्टिस है, जिसको लोग, बहुत से लोग उसको कहते हैं ये हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हिंदू, तो वो शब्द तो वीर सावरकर जी का, उसमें तो रत्ती भर कंप्रोमाइज नहीं है, हिंदू हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, वो एक अलग। लेकिन ये वो जगह है हिंदुकुश पर्वत से लेकर के बर्मा तक की। जी, जिसको आप अखंड भारत कहिए, बृहद भारत कहिए, आप संपूर्ण भारत कहिए, आप ये सनातन की धुरी, पूरे विश्व का संचालन यहीं से हुआ है। धर्म आते रहे, इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया है, उससे पहले जी क्रिश्चियन आया है, क्रिश्चियन से पहले यहूदी आए हैं, बुद्धिस्ट हुए हैं। लेकिन आप ये देखेंगे, सनातन धर्म कह लीजिए, ये जीवन पद्धति कह लीजिए, जीवन शैली कह लीजिए, जी वो जो तरीका था वो हजारों साल जो था वो आज भी है। बिल्कुल, आप देखिए जितने पुराने एंशियंट मंदिर देखिएगा, टेम्पल देखिएगा, वो नदियों किनारे बने हुए, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता में चले जाइए, चाहे आप गंगा की तरफ आ जाइए, आप कहीं देख लीजिएगा, जो भी शहर बसे हैं नदियों किनारे बसे हैं, तो मंदिर भी जो होते थे, जो शिवालय जो होते थे, उनसे पूरा व्यापार चलता था, समाज चलता था, संस्कृति चलती थी, धरोहर को रखते थे, वो एक स्थान हुआ करता था। जैसे राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है, वो भी सरयू किनारे ही है। जी जी, तो सनातन एक जीवन शैली है। जी, और हमने उस शैली को अपना रखा है। सर, एक मेरा सवाल थोड़ा सा आपके मजहब पे है, जो जिसे हम इस्लाम कहते हैं, इसमें शिया सुन्नी का विवाद क्या है, क्योंकि इतने 1400 साल से ये विवाद चला आ रहा है और बढ़ा भी है, और पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देश हैं वो आपस में ही इसी वजह से लड़ रहे हैं आपस में, तो ये क्या कारण है उसका, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? सर देखिए, मोहम्मद साहब जी ने अपनी ज़िंदगी में ही अली को, अपने दामाद को, जो जनाब फातिमा के शौहर थे, उनके पति थे, उनको उन्होंने अपना जानशीन बना दिया था, कि इतने काबिल थे, इतने बलशाली थे, कि उनके साथ चलते थे, उनके साथ और भी साहबी थे उनके, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही उनको कॉर्नेशन कर दिया था उनका, कि मेरे बाद ये होगा जो परचम हाथ में लेके चलेगा। जी, लेकिन उनके देहांत होने के बाद वो भी साजिशन उनको जहर दे के हुआ है, हमने पढ़ा ही होगा। उसके बाद वहाँ पे आपस में खलीफाओं की लड़ाई शुरू हुई, और ये तो उनके दामाद भी थे, तो उनके घर के थे,
उनके मतलब उस समय उनका ध्यान हुआ है कि इनके हसन हुसैन जिनकी करबला में शहादत थी, ये 10-12 साल के थे होते थे जी, यानी उनके नवासे नाते, और अली का भी कत्ल कर दिया गया नमाज पढ़ते टाइम, उनको शहीद कर दिया गया अल्लाह उबर करके। यही मुसलमानों ने किया, किसी और ने नहीं किया, उन खलीफों ने किया जो खुद उस पर काबिज होना चाहते थे, इस्लाम को अपना बनाना चाहते थे और कबीले में बटे हुए थे जी। क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब शुरू किया है इस्लाम को, कहते हैं कि सूरे आते रहे और इस्लाम की बुनियाद पड़ी, और तो जितनी कुरीतियाँ थीं अरब के अंदर, जितनी बुराइयाँ थीं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने जद्दोजहद शुरू करी, एक मिशन शुरू किया जिसको आपने जिहाद दे करके अभी आपने जंग के रूप दे दिया। जिहाद माने जंग ही नहीं कुरान के अंदर, जी जी जी, जिहाद माने जद्दोजहद करना यानी कोशिश करना। तो वह बुराई को दूर करने के लिए शुरू किया था उन्होंने। मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ इस्लाम का, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो पूछा शिया सुन्नी का फ़र्क किया जी, तो उन खलीफाओं ने उनके खिलाफ हो गए, और जो अली को मानने वाले थे, उनकी फैमिली मानने वाले, वो शिया हैं। बाद में उन्हीं फैमिली, उनकी फैमिली को, उन्हीं नवासों को, हसन हुसैन को करबला में शहीद कर दिया, और इन मुसलमानों ने शहीद करा जो दूसरे मुसलमान, अब आप उनको सुन्नी कह सकते हैं, उन्होंने किया। और मज़ेदार बात ये देखिए कि ये वहाँ पर कोई हिंदू नहीं था, कोई गैर मजहब नहीं था, यही सब इस्लाम को मानने वाले थे जी, और जब शहीद किया, भूखा प्यासा रखा पूरी फैमिली को, 72 शहीद किए, उसमें 6 महीने का रियाजगर को, जो हुसैन के बच्चे को गोद में लिए थे, उनको भी तीर मार के शहीद कर दिया, और उसके बाद इन्होंने नमाजें पढ़ी, अल्लाह उबर किया शहीद करने वालों ने। सर एक चीज अभी बता रहा हूँ, अभी खत्म हो रहा सर, यहाँ से फर्क शुरू हुआ। अली को मानने वाले जो मोहम्मद साहब की फैमिली को मानने वाले, उनकी फैमिली को मानते थे, वो शिया हैं जी, और जो उनको नहीं मानते थे, जो उनके उनको शहीद करने वाले थे, वो सुन्नी। दिस इज द डिफरेंस, सिंपल सा। लेकिन उसमें बहुत से सूफी हैं जी, मैं लाइन देना चाहूँगा, सूफी सुन्नी भी हैं जो उनकी फैमिली को भी मानते हैं, वो उनके कातलों में नहीं अपने को गिनते हैं, कहते हैं नहीं हम इनकी फैमिली के साथ हैं ऐसे सूफी। तो सर सुन्नी भी तो मोहम्मद साहब को मानते हैं, और जैसे शिया सुन्नी का जो शुरुआत हुई, इसके पहले इस्लाम नहीं था, या मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम नहीं था, तो फिर वो किस धर्म के अनुयायी थे? ये यहूदी भी थे उसके अंदर जी जी। आप देखिए तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, यहूदी में नमाज पढ़ता है, आप शायद ये नहीं बताया जी, पता नहीं, पता नहीं, पता मैं बता सर, ये कुरान वाला नमाज है या वैसी नमाज है? मिलती जुलती नमाज है, बस सूरे अलग है, श्लोक अलग है जी। नमाज का उठना बैठना बिल्कुल यहूदियों को वैसी ही है, 5 वक्त की नमाज वो लोग पढ़ते थे, अजान उनकी भी होती है एक हाथ से, जो हजरत बिलाल ने दी थी, मोहम्मद साहब ने पहली बार अजान कराई थी अल्लाह उबर की, तो वो पहले से कर रहे थे यहूदी लोग, और यहूदियों में अभी भी होती है एक हाथ कान पर रख करके अजान देते हैं, लेकिन उनका जो बोलते हैं उच्चारण कुछ और है, नमाज की तरतीब है, वो रुकू में ही जाते हैं घुटने पर, वो रुकू में नहीं आते हैं, सीधे सजदे में जाते हैं, बैठते हैं, बिल्कुल उसी तरह नमाज में कोई फर्क नहीं है, हाथ बांध के खड़े होते हैं जैसे सुन्नी लोग नमाज पढ़ते हैं, यहूदियों में कोई फर्क नहीं है, वो नमाज भी उनकी भी वही से है, बस उनके सूरे अलग हैं, वो जिब्राइल को मानते हैं, हज़रत जिब्राइल को, इनको मानने वाले मोहम्मद साहब को मानते हैं, ये फ़र्क है। बाकी मोहम्मद साहब भी उधर ही नमाज पढ़ते थे, पहले बैतुल मुकद्दस जिसको आप कहते हो मस्जिद अल अक्सा, जो इसराइल के अंदर है, बाद में मक्के की तरफ नमाज पढ़ने लगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वंदे मातरम।